मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कुछ रेट्स को ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख देती है, और फिर हम एक कपल एलिस और माइकल को देखते हैं जो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते थे। माइकल ऑलरेडी मैरिड था जो अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए एलिस को दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना चाहता है, और एलिस अपनी एक फ्रेंड के साथ एक कम्युनिटी में जाती है जहाँ पर सभी लोगों का एलिस के लिए सजेशन था कि उसको माइकल से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि माइकल ऑलरेडी मैरिड था और वो एक इलीगल रिलेशनशिप में था, और ये सुन के एलिस उससे दूर होने का डिसीजन ले लेती है। अब अगले दिन एलिस मेंटेनेंस में कंप्लेन करती है कि उसके बाथटब में पानी सिंक नहीं हो रहा है, और वो बाथटब को किसी से साफ करवाने को कहती है। फिर अगले दिन एलिस घर वापस आती है तब उसे घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और उससे शेली नाम की क्लीनर दिखाई देती है जिसका चेहरा जला हुआ था। शेली एलिस के बाथटब को रिपेयर कर देती है, लेकिन एलिस को और सफाई करवानी थी तो वो शेली को नेक्स्ट डे भी आने को कहती है, जिस पर शेली हाँ कर देती है। एलिस अपने घर में एक पार्लर भी चलाती थी, और तभी उसे घर के बाहर एक गिफ्ट रिसीव होता है जो माइकल ने भेजा था, और उसमें एक बड़ा सा सूटकेस था जो कि उसे माइकल के साथ यहाँ से निकलने में काम आने वाला था। इस गिफ्ट को देखने के बाद में एलिस खुश हो जाती है, और उसके बाद एलिस का घर फिर से शेली आ जाती है। शेली का चेहरा जला हुआ था और वो काफी डरावना भी लगता था, जिसे देखकर एलिस की कस्टमर डर जाती है, और शेली इस बात को इग्नोर करती है क्योंकि वो इस बात को काफी टाइम से देख रही थी कि लोग उसे देखकर डरते हैं। जिसके बाद में एलिस की कस्टमर वहां से चली जाती है, और शेली एलिस के घर की सफाई करने लगती है। इसी बीच एलिस नहाने चली जाती है, और शेली उसका एक ऑर्नामेंट अपने पास ही रख लेती है, और वो एलिस को बाथटब में रिलैक्स करते हुए देखती है और सोचती है कि एलिस की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है और उसकी लाइफस्टाइल कितनी खराब है। फिर तभी एलिस के पास में माइकल का फोन आता है और वो उससे बात करती है, जिसके बाद में एलिस शेली को डिनर करने के लिए रोक लेती है। डिनर करते वक्त एलिस शेली से उसका एड्रेस पूछती है कि वो कहाँ पर रहती है, लेकिन वो सही से उसके एड्रेस को नहीं बताती, और फिर शेली एलिस को अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो कैसे चली थी, जिसे सुनने पर एलिस शेली को सिंपैथी देने लगती है। और उसके बाद में माइकल एलिस के घर बाहर आता है और गेट नॉक करता है, लेकिन एलिस उसे इग्नोर करती है और माइकल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब फिर एलिस शेली को उसके और माइकल के बारे में बताती है कि कैसे उन दोनों में प्यार हुआ, लेकिन माइकल ऑलरेडी शादीशुदा है। जिसके बाद में शेली वहां से जाने लगती है तो एलिस उससे कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, और फिर दोनों एलिस की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एलिस शेली को उसके घर तक छोड़ने जाने वाली थी, लेकिन शेली उससे कहती है कि वो उसे रास्ते में ही छोड़ दे और वो वहां से खुद ही चली जाएगी। शेली अपने घर के पहले ही उतर जाती है क्योंकि वो एलिस को अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी, और घर पहुंचकर वो एक लेडी को ग्राइंड कर रहे हुए रेट्स खिलाती है। फिर हम ये देखते हैं कि अगले दिन माइकल एलिस को अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन माइकल की वाइफ उसकी बातें सुन लेती है और उसे माइकल के ऊपर शक होने लगता है। अगले दिन शेली फिर एलिस के घर पर आती है सफाई करने के लिए, जहाँ पर एलिस शेली का मेकअप करती है और उसे अपनी एक ड्रेस पहनाती है, जिसे देखकर शेली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसी रात को हम ये देखते हैं कि शेली एलिस को बेहोश करके उसके मुंह पर एक पेस्ट लगाती है और उसका एक मास्क बनाती है, और फिर शेली अपने बचपन की यादों में आ जाती है, और हमें यहाँ पर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसका छोटी सी उम्र में यूज़ कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसने सोचा था कि वो अपनी बेटी शेली को भी प्रोस्टिट्यूट बनाएगी, और वो उसका बचपन से यूज़ करती आ रही थी जिससे कि उनका घर चलता था, और शेली को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो दूसरे और अपने से बड़े मर्दों के साथ में सोए। शेली ये बात अपनी मॉम को बताती है कि उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके बदले में उसकी मॉम उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी जीबान को काट देगी। अब ये मूवी फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ पर एलिस जिम में थी और वहाँ पर उसे माइकल भी मिलने आता है, और यहाँ पर एलिस के घर पर शेली उसका मास्क पहनकर बाथटब में उसके जैसे ही रिलैक्स करती है जैसा कि एलिस अपने घर में रहा करती थी, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। एलिस माइकल से बहुत ज़्यादा नाराज थी, लेकिन माइकल उसे मना लेता है और वो दोनों पहले जैसे हो जाते हैं, और शेली बहुत ज़्यादा जिलस होती है क्योंकि उसके फेस की वजह से कभी भी कोई भी उसके पास नहीं आएगा। और फिर अगले दिन शेली एलिस को बेहोश करके एलिस के फ़ोन से फ़ोन करती है और माइकल को बुलाती है। माइकल एलिस के घर के लिए निकलता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका पीछा कर रही थी, और माइकल जब एलिस के घर पर पहुंचता है तो शेली उससे भी बेहोश कर देती है। फिर वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है, और वो ये सोचती है कि जब एक दिन उसके पास में एक नया क्लाइंट आया था तब शेली गुस्से में थी
और दूसरी तरफ उसकी माँ ने गैस पर चिकन को फ्राई करने के लिए तेल गर्म करने के लिए रखा था। शेली की माँ पैसों के लिए शेली का सौदा करती थी और उसे हर रात किसी नए क्लाइंट से मिलवाती थी। इस बार शेली बहुत ज्यादा गुस्से में थी और शेली क्लाइंट के हाथ पर काट के वहाँ से भाग जाती है और फिर तभी वो क्लाइंट भी शेली की माँ को नुकसान पहुँचाकर उसके पैसे वापस ले लेता है। जब वो क्लाइंट उसके हाथ पर लगा हुआ खून साफ कर रहा था तभी शेली उसके पैर में मार देती है जिससे कि वो क्लाइंट और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गरम गरम तेल को शेली के मुंह पर मार देता है जिससे कि शेली का फेस अब खराब हो जाता है। अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट पे आ गई थी जहाँ पर शेली ने एलिस और माइकल दोनों को टेप से बांध दिया था और तभी शेली दोनों को होश में लाती है जिसके बाद में शेली माइकल के मुँह पर धीरे धीरे एसिड डाल रही थी जिससे कि उसका चेहरा एसिड से गलता जा रहा था और फिर शेली माइकल के प्राइवेट पार्ट को भी एसिड से जलाने की कोशिश करती है। माइकल को इन सब में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो एलिस से बोलता है कि उसे मार दे, वो इतना ज़्यादा दर्द नहीं झेल पाएगा। तभी माइकल मर जाता है और फिर शेली एलिस को उसी सूटकेस में बंद कर देती है जो कि माइकल ने एलिस को गिफ्ट में दिया था। और फिर हम ये देखते हैं कि माइकल की वाइफ एलिस के घर के बाहर वेट कर रही थी और देखती है कि माइकल की कार कहीं पर जा रही थी और उस कार में शेली एलिस को सूटकेस में बंद करके अपने घर ले जा रही थी। माइकल की वाइफ उस कार का पीछा करती है और वह सोचती है कि माइकल इतनी सुनसान जगह क्यों जा रहा है। तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। इधर शेली एलिस को बाथरूम में बंद कर देती है और वह उस औरत को खाना खिलाने चली जाती है जिसको उसने कैद करके रखा था। तभी शेली फिर से अपने बचपन को याद करती है जिसमें शेली का चेहरा खराब हो चुका था और कॉलिन मतलब कि शेली की माँ उसके चेहरे पर दवाई लगा रही थी ताकि शेली फिर से पहले जैसी हो जाए और उसकी माँ उसका धंधा फिर से करना चालू कर दे। शेली अपनी माँ को ये गंदा काम करने से मना कर देती है और कॉलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह शेली को उसकी जबान काटने की धमकी देती है। लेकिन तभी शेली की माँ शांत हो जाती है और सोचती है कि वो उसकी बेटी है और इसीलिए वो उसको प्यार से हक करती है कि तभी शेली कैंची से अपनी माँ की पीठ पर स्टैब कर देती है और फिर वो अपनी माँ की जुबान ही काट देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस लेडी को शेली मरे हुए चूहे खिलाती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। इधर हमें देखते हैं कि माइकल की वाइफ की मदद एक मैकेनिक कर देता है और वो माइकल को ढूंढने शेली के घर तक आ जाती है और शेली उसकी वाइफ से मदद मांगने लगती है लेकिन माइकल की वाइफ उसे सिर्फ अपने पति के बारे में पूछ रही थी। तभी एलिस माइकल की वाइफ को बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए नहीं तो शेली उसे भी मार देगी। फिर हम ये देखते हैं कि माइकल की वाइफ एलिस के हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी शेली उस पर अटैक कर देती है और वो उसे भी मार देती है। एलिस शेली से बचने के लिए उसके घर में छुप जाती है और शेली उसे ढूंढने लगती है। फिर एलिस मौका देखकर माइकल की वाइफ से कार की चाबी लेकर भागने लगती है लेकिन तभी शेली उसे वापस से रोक लेती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिस की आंखें खुलती है तो वो अपने बेडरूम में थी और वो सोचती है कि ये बस एक सपना था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी एक शेली नाम की लड़की के ऊपर है जिसका चेहरा जला हुआ था क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे प्रोस्टिट्यूट का धंधा करने को कहती थी लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से ऐसा करने से मना किया जिसके बदले में एक क्लाइंट ने उसका चेहरा जला दिया। फिर उसकी माँ तब भी ये चाहती थी कि उसकी बेटी फिर से पहले जैसी हो जाए और वापस से अपना धंधा चालू कर दे लेकिन शेली को ये मंजूर नहीं था और वो अपनी माँ को ही जिंदगी भर कैद करके रखती है। जैसे जैसे शेली बड़ी होती है वो कूड़ा कचरा और नाली को साफ करके अपना गुजार करती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो काफ़ी गरीब भी थी। शेली ये देखती है कि एलिस की लाइफ कितनी अच्छी है, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। शेली भी ये चाहती थी कि उसे भी ऐसी ज़िंदगी मिले और वो कुछ दिन के लिए उससे एक्सपीरियंस भी करती है। शेली सभी लोगों को मार देना चाहती थी लेकिन उसे पता चलता है कि एलिस एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि उसका ख्याल भी रखती है और उसे सिंपथी भी देती है, इसीलिए वो उसे मूवी के एंड में नहीं मारती और उसे वापस से घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आई होप दोस्तों मूवी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।